नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल घरेलू शिक्षा पर। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे पौधे या वनस्पतियां हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, पर उन सभी का जानकारी ना होने के कारण हम उसे बेकार घास समझकर फेंक देते हैं। दोस्तों, उनमें से ये एक पौधा है गोटी काड़ी का पौधा, जिनका हमें सही से जानकारी न होने के कारण हम इसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको गोटी काड़ी के ऐसे फायदे बताऊंगी जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। इनके फायदे को जानकर विज्ञान भी हैरान है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको गोटी काड़ी के फायदे के बारे में बताती हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो आपको प्रायः खेत खलियानों पर, नदी नालों पर या खुली मैदानों पर देखने को मिलता है, या आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, ये गोटी काड़ी का जो फूल है वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यह गुलाबी और प्रायतर पीले कलर के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फूल कितना ही खूबसूरत है। इसी तरीके के इनके कुछ अद्भुत फायदे भी हैं। यह गोटी काड़ी का पौधा जो है वो औषधीय चमत्कारी गुणों से भरा हुआ है, पर इसकी सही जानकारी ना होने के कारण प्रायः लोग इसे घास फूस या खरपतवार समझकर फेंक देते हैं। इसे कई जगहों पर, कई क्षेत्र या प्रांतों पर अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। इसे घनेरी के नाम से भी जाने जाते हैं, गोटी काड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं और बहुत सारे नाम से भी जाने जाते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाने जाते हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपके पास इसके क्या क्या जानकारी है वो हमें जरूर बताएं। ये जहाँ पर पानी अधिक रहता है उस स्थान पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रायतर ये पौधा जो है वो सदाबहार पौधा है जो हर मौसम में खिला रहता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आयुर्वेद में बताए गए हैं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके सारे बेनिफिट्स को जानने वाले हैं। इससे जो है वो सर दर्द की समस्या को दूर कर सकते हैं, मच्छरों को भगा सकते हैं, मलेरिया को दूर कर सकते हैं, सर्दी खांसी हो जाए तो उसे दूर कर सकते हैं। अगर आपके शरीर पर कहीं घाव हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए, दिनाई हो जाए तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से इसके फायदों के बारे में। अगर आपके बहुत सारा पानी जमा हो गया है और आप उसे साफ नहीं कर पा रहे तो क्या करें, आप गोटी काड़ी के पत्तों को पीसकर उस पानी पर डाल दें। इससे जो है वो मच्छर मर जाएंगे, मलेरिया के जो लावा होते हैं वो मर जाएंगे और पानी से बदबू भी नहीं आएगा। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सर दर्द की समस्या हो गया है तो इसके पत्तों को मसल कर सूंघने से सर दर्द की समस्या में आराम मिलता है। अगर सर्दी खांसी हो गया है तो उसमें भी ये जो सिर्फ एक पत्ता गोटी काड़ी का सिर्फ एक पत्ता जो है वो सर दर्द की समस्या और सर्दी खांसी को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं फ्रेंड्स जो गोटी काड़ी के पत्तों से बने चाय का सेवन करते हैं, जिससे शरीर में फुर्ती आती है। अगर किसी के हाथ पैर पर घाव हो जाते हैं तो इसके पत्तों को पेस्ट बनाकर लगाने से घाव जो है वो पककर ठीक हो जाते हैं, थोड़ा फुंसी भी ठीक हो जाते हैं। अगर आपके आसपास बहुत सारे मच्छर हैं जो रात्रि में आपको बहुत परेशान करते हैं तो आप क्या करें, ये जो गोटी काड़ी के सूखे हुए पत्ते हैं उनको जला दें। इससे जो मच्छर है वो भाग जाते हैं। इसके पत्तों में ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो जानवरों के लिए अच्छे नहीं होते हैं लेकिन मनुष्य के लिए अच्छे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।